नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुणाल और आप देख रहे हैं आपका अपना क्लासरूम ज्ञान अभियान। चलिए आज इस वीडियो में सीखेंगे क्लास 9th के एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चंस। तो एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट सीखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इज जीरो अ रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। हमें बताना है क्या जीरो एक रेशनल नंबर है, और अगर रेशनल नंबर है तो क्या हम उसे p अपॉन q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर p और q दोनों ही इंटीजर्स होंगे एंड q नॉट इक्वल टू जीरो होगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं इंटीजर्स क्या होता है। एक नंबर लाइन हमने जैसे ये लिया, नंबर लाइन है हमारे पास, इसमें जो भी नंबर्स आएंगे वो सारे के सारे इंटीजर्स कहलाएंगे। ये बीच का जो सेंटर होता है ये जीरो होता है। ये ना तो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, ये ना तो नेगेटिव नंबर्स होते हैं, लेकिन इसके राइट हैंड साइड में क्या होता है, ये पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, 1, 2, 3 और 4। ऐसे करते करते ये इनफिनाइट तक चले जाता है। इसी तरह से ये -1, -2, -3, -4 ये इधर इनफिनाइट तक चले जाता है। और ये सारे के सारे, ये जो नंबर्स हैं, ये सारे के सारे नंबर्स इंटीजर्स कहलाते हैं, और इसको हम p अपॉन q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ये p अपॉन q के फॉर्मेट में होता है। इस तरह से ये सारे के सारे रेशनल नंबर्स भी हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं क्या हम जीरो को कह सकते हैं कि ये रेशनल नंबर है। तो इसका आंसर होगा यस, जीरो इज अ रेशनल नंबर, जीरो एक रेशनल नंबर है, ठीक है, बिकॉज क्योंकि हम इसे लिख सकते हैं, बिकॉज वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा हमारे पास, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 अपॉन 1, 0 अपॉन 2, 0 अपॉन -5 एक्सेट्रा। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे, इसका जब 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा, 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। ये नीचे 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर 0 हो सकता है। इस तरह से ये आंसर क्या हो गया, यस 0 इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। अब चलिए इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। तो रेशनल नंबर हमें पता चल गया, जो नंबर्स पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में लिखा जा सके और जहां पर क्यू नॉट इक्वल टू जीरो हो, उसे हम रेशनल नंबर कहते हैं। कहने का मतलब क्या हो गया, सारे के सारे जो भी इंटीजर्स हैं वो सारे के सारे रेशनल नंबर्स हैं। तो ये 3 और 4 भी रेशनल नंबर है। सॉल्यूशन, 3 इक्वल टू 3 अपॉन 1 लिख सकते हैं, ये रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह से 4 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 4 अपॉन 1 लिख सकते हैं। अब हमने पहले इसको रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर लिया, अब इसको क्या करना है, इसको किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि इनके ये 3 और 4 के बीच का जो डिफरेंस है वो 6 से अधिक आ जाए। तो हम इसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं जो इस 6 से ज्यादा हो। इसको अगर हम 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हमें इसके बीच के 6 रेशनल नंबर मिल जाएंगे। तो 7 3 जाए 21 अपॉन 7 और ये 7 4 जाए 28 अपॉन 7। आप इसको किसी और भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 8 9 10 11 12, जिससे भी मल्टीप्लाई करना हो आप इसको कर सकते हैं, लेकिन 7 से कम नंबर से इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, ठीक है। तो ये हो जा रहा है 21 अपॉन 7 और ये 28 अपॉन 7, तो ये 6 रेशनल नंबर इसके बीच का हो जाएगा, 6 रेशनल नंबर इक्वल टू क्या क्या हो सकता है, 21 और 28 के बीच का हो जा रहा है 22 अपॉन 7, 23 अपॉन 7, 24 अपॉन 7, 25 अपॉन 7, 26 अपॉन 7 और 27 अपॉन 7। जरा काउंट करते हैं, ये हो रहा है 1 2 3 4 5 6 निकल के आ चुका है। तो उम्मीद है ये समझने में बहुत ही आसानी भी होगी। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3 अपॉन 5 एंड 4 अपॉन 5। तो 3 अपॉन 5 और 4 अपॉन 5 के बीच हमें 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 3 अपॉन 5 ऐसे, और
या लिखेंगे 4/5 ऐसे, हमने ये लिख लिया। अब क्या करना है, इन दोनों नंबरों को कितने निकालने हैं हमें, 5 रेशनल नंबर निकालने हैं, 5 रेशनल नंबर। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लिया 6 से, क्योंकि इसके नीचे बराबर है इसीलिए यहाँ पे हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। 6 3 18/5 6 ये हो जा रहा है 30, इसी तरह 6 4 ये हो जा रहा है 24 और 5 6 ये हो जा रहा है 30। तो 18/30 और 24/30 इसके बीच 5 रेशनल नंबर हमें लिख देना है। तो ये हो जा रहा है हमारे पास 19/30 20/30 21/30 22/30 और 23/30 ये 18 और 24 के बीच आ रहा है। 18 के बाद ये 19, 20, 21, 22, 23 तो ये हो जा रहा है 1 2 3 4 5। इस तरह से ये 5 रेशनल नंबर हमने 3/5 और 4/5 के बीच का निकाल लिया। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो अब इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। तो इसका फोर्थ पार्ट है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, हमें बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, क्या सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर्स हैं? तो हमें ये देखना है। तो इसको देखने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन ऐसे बना लेते हैं, समझने में आसानी हो जाएगी। और यहाँ पर हम इस जगह पर इसके सेंटर में 0 लिखते हैं और इस जगह से इधर लिखते हैं 1 2 3 4 5 और ये 6 और ये इनफिनाइट हो गया। इसी तरह से ये -1 -2 -3 -4 और इस तरह से ये इनफिनाइट हो जाएगा इधर, ठीक है। तो ये हमारे पास नंबर लाइन है। अब इस नंबर लाइन में जितने भी तरह के नंबर्स हैं, सारे के सारे नंबर्स इस नंबर लाइन्स पे होते हैं, चाहे वो होल नंबर्स हो, नेचुरल नंबर्स हो, रेशनल नंबर्स हो, इरेशनल नंबर्स हो, स्क्वायर नंबर्स हो या फिर रूट नंबर्स हो, किसी भी तरह का नंबर्स होगा, सारे के सारे नंबर्स क्या होंगे, इसी नंबर लाइंस पे आने हैं। तो लेकिन अब हमें ये पता होना चाहिए कि किस नंबर को कौन सा नंबर कहते हैं। जो नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 से जो नंबर स्टार्ट हो रहा हो, इस जगह से स्टार्ट हो और इधर की तरफ जा रहा हो, इस नंबर को नेचुरल नंबर कहते हैं। 1 से लेकर आगे की तरफ जो जाता है 1 2 3 4 5 6 ये पॉजिटिव साइड जो नंबर्स होते हैं, इन नंबर्स को नेचुरल नंबर्स कहा जाता है, ठीक है। अगर उसी नंबर में 0 को ऐड कर दिया जाए, मतलब 0 से अगर हम काउंट करना स्टार्ट कर दें, तो वो सारे के सारे होल नंबर्स कहलाएंगे। इट मीन्स इस जगह से इधर के सारे नंबर्स क्या हो गए, ये होल नंबर्स कहलाएंगे। इस जगह से इधर के ये सारे नंबर क्या कहला रहे थे, ये सारे के सारे नेचुरल नंबर्स कहला रहे थे। और ये यहां जब 0 हमने इसमें इंक्लूड कर दिया, तो ये सारे के सारे होल नंबर हो गए। तो अब यहाँ पहला देखते हैं, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। अब यहाँ पे देखते हैं ये इस जगह से इधर ये सारे के सारे होल नंबर हो रहे हैं और इसी में इस जगह से इधर ये नेचुरल नंबर है, इसका मतलब कि ये सारे के सारे होल नंबर होंगे। तो इसका नंबर लिखेंगे यस यस। अब इसका रीजन क्या लिखेंगे, बिकॉज व्हेन वी स्टार्ट फ्रॉम 0 ऑल नेचुरल नंबर्स बिकम होल नंबर, ठीक है। अब चलिए इसका दूसरा पार्ट देखते हैं, एवरी इंटीजर्स इज ए होल नंबर, क्या सारे के सारे इंटीजर्स होल नंबर्स होते हैं? आप सबसे पहले जानते हैं इंटीजर्स क्या होता है। नंबर लाइंस पे जो भी नंबर्स होंगे उनको हम इंटीजर्स कहते हैं। कंप्लीट नंबर जैसे -4 -3 -2 -1 ये सारे के सारे, और 0 1 2 3 ये सारे के सारे क्या इंटीजर्स हैं। तो अब हमने देखा होल नंबर्स यहां से इधर वाले को कहते हैं, तो ये सारे के सारे होल नंबर्स में नहीं आते हैं। तो होल नंबर्स में क्या होगा, नेगेटिव नंबर्स नहीं होता है। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा नो, लिखेंगे बिकॉज नेगेटिव इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर। नेगेटिव इंटीजर्स क्या होंगे, होल नंबर्स नहीं होंगे। अब इसका तीसरा पार्ट देखते हैं, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, क्या सारे के सारे रेशनल नंबर होल नंबर होंगे? तो रेशनल नंबर क्या हो जाएगा, जैसे ये 1 1/2
क्या ये होल नंबर है या कंप्लीट नंबर नहीं है, तो ये नहीं होगा। जैसे अगर ये 4/4 होता तो इक्वल टू 1, ये होल नंबर है, या 4/2 होता इक्वल टू 2, ये होल नंबर है लेकिन ये होल नंबर नहीं है, तो इस तरह से हम लिखेंगे। इसका भी आंसर हो जाएगा नो, बिकॉज रेशनल नंबर्स आर इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, वेयर क्यू नॉट इक्वल टू 0 एंड पी क्यू बोथ आर इंटीजर्स। पी क्यू दोनों ही इंटीजर्स हैं। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको सारे के सारे समझने में बहुत ही आसानी भी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ इसको शेयर कीजिए, जिससे कि उनको भी फायदा हो सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।